हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेवलप करेंगे फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम और उसको डिटेल में समझेंगे कि फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम किस तरह काम करता है। तो पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम उसको एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए हमने ये लिखा कि फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ लिखा एल्गोरिथम और उसको कोई भी हम यहाँ पे सपोज कीजिए हम लिखा 3.2, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये कुछ भी आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है केवल आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि एल्गोरिथम जो हम लिखने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। तो हमने ये समझने के लिए लिख दिया पैटर्न मैचिंग। इसमें क्या है, पी एंड टी आर स्ट्रिंग्स विद लेंथ आर एंड एन रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या है, हम दो स्ट्रिंग लेंगे पी एंड टी आर ट्रू स्ट्रिंग्स विद लेंथ R एंड S रिस्पेक्टिवली एंड आर स्टोर्ड एज एरेज विद वन कैरेक्टर पर एलिमेंट एंड आर स्टोर्ड एज एरेज। ये P और T जो है एरेज की तरह स्टोर्ड है, with one character per element, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, this algorithm finds the index of p in t, the index of P P in T, मतलब T में P कहाँ से शुरू है, ये हमें ये एल्गोरिथम बताएगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या किए, हमने सबसे पहले लिखा इनिशलाइज में हम क्या करेंगे, सेट K इक्वल टू वन, सेट के इक्वल टू वन एंड मैक्स इक्वल टू हो गया आपका, या इसको कैपिटल ही यूज करिए, मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड में हमने लिखा रिपीट स्टेप 3 to 5, कब तक, जब तक कि वाइल के की वैल्यू मैक्स से छोटी या उसके बराबर है, तब तक ये लूप चलेगा। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में हमने कहा रिपीट L इक्वल टू वन टू आर, L इक्वल टू वन टू आर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ईच कैरेक्टर ऑफ P, ईच कैरेक्टर ऑफ P, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम इसको मैच कर रहे हैं कि P से मैच कर रहा है कि नहीं। और यहां पे हमने कंडीशन दी कि इफ पी ऑफ एल इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ के प्लस एल माइनस वन, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो क्या करना है, देन गो टू
स्टेप फाइव, तो स्टेप फाइव पे जाइए और यहाँ पे जो इनर लूप है आपका वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड ऑफ इनर लूप, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, फोर्थ स्टेप में ये कि अगर हमें पैटर्न मैचिंग मिल गया सक्सेस, यहां हम लिखेंगे सेट इंडेक्स इक्वल टू के और एंड एग्जिट, ठीक। और स्टेप फाइव में मान लीजिए नहीं मैच किया अगर करेक्टर एक, तो फिर हमें अगला करेक्टर मैच करना है, तो स्टेप फाइव में हम लिखेंगे सेट के इक्वल टू के प्लस वन एंड ऑफ स्टेप टू आउटर लूप, यहां पे हो जाएगा एंड ऑफ स्टेप टू आउटर लूप, तो आउटर लूप जो है एंड हो जाएगा। छठे स्टेप पे लिखेंगे, मान लीजिए हमने पूरा सर्च कर लिया और हमको पैटर्न नहीं मिला, तो फेलियर में हम क्या करेंगे, सेट इंडेक्स इक्वल टू जीरो, तो हम लिख देंगे सेट इंडेक्स इक्वल टू जीरो और एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये एल्गोरिथम जो है पैटर्न मैचिंग की वो इस तरह काम करेगी। अब इसमें एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। तो मान लीजिए हमने कहा से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ये कहा कि सपोज P इक्वल टू ए ए बी ए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने से पहला एग्जांपल लिया, हमने कहा लेट जो पैटर्न हमें ढूंढना है वो है ए ए बी ए, ठीक है, और T क्या है जिस टेक्स्ट में हमको ढूंढना है, T इज इक्वल टू है हमारा सी डी सी डी सी डी, ऐसे ही ये आपका लास्ट तक जा रहा है, यानी एक तरह से सी डी की पावर 10 अगर इस तरह हम रिप्रेजेंट करें। तो अब इसमें क्या होगा कि क्लियरली P डज नॉट अकर इन T, तो ये साफ दिख रहा है कि P जो है इसके अंदर नहीं आएगा, एंड ऑल्सो फॉर ईच ऑफ द साइकिल्स ईच ऑफ द 17 साइकिल एन के इक्वल टू 1 सिंस द फर्स्ट करेक्टर ऑफ P डज नॉट मैच डब्लू के, ठीक है। इसका मतलब कि ये 17 कहाँ से आया, देखिए इस ये 17 यहाँ से आया कि अगर यहाँ पे लेंथ कितनी है, यहाँ पे है लेंथ क्या है 4, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ P एक तरह से आप ये समझ लीजिए यहाँ पे लेंथ ऑफ P क्या है 4, ठीक, लेंथ ऑफ T क्या है तो आप 10 2 ये हो गया 20, ठीक है। तो यानी मैक्स की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो मैक्स इक्वल टू क्या आएगा, मैक्स आएगा 20 माइनस 4 प्लस 1 यानी 17। तो अब इसको जब आप एल्गोरिथम में एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, पी डज नॉट अकर इन टी लेकिन ऑल्सो फॉर ईच ऑफ द 17 साइकिल्स एन के इक्वल टू 1 आएगा, हर 17 साइकिल के लिए एन के की वैल्यू क्या होगी 1 आएगी। इसका मतलब सिंस द फर्स्ट करेक्टर ऑफ पी डज नॉट मैच डब्लू के, हेंस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करते करते ये 17 तक जाएगा, मतलब 17 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे सी है क्या, नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन करेक्टर्स इन द पैटर्न पी एंड करेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट टी, ये सी क्या है, ये नंबर ऑफ कंपैरिजन है कैरेक्टर्स का पैटर्न पी में और पैटर्न टी में, तो आपको 17 कंपैरिजन जो है करने पड़ेंगे, ठीक। अब ऐसे ही मान लीजिए हम लेते हैं, सपोज कीजिए ये तो एग्जांपल 1 हो गया, अब हमने कहा एग्जांपल 2, इसमें मान लीजिए हमने कहा कि सपोज पी इक्वल टू फिर हमने लिया ए ए बी ए और टी क्या है, टी है ए बी ए बी ए बी इस तरह, एंड टी क्या है ए बी ए बी ए बी और एंड सो ऑन,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए ये ऑब्जर्व कीजिए कि दैट पी इज ए सबस्ट्रिंग ऑफ टी, इनफैक्ट पी इक्वल टू डब्लू फाइव एंड सो एन फाइव इक्वल टू फोर। अब इसमें पी क्या है, पी इज ए सबस्ट्रिंग ऑफ टी और इनफैक्ट पी क्या है, पी है डब्लू फाइव एंड एन क्या हो जाएगा, एन फाइव हो जाएगा फोर। इसका मतलब जब आप कंपेयर करेंगे पी को डब्लू वन से तो एन वन टू हो जाएगा, सिंस द फर्स्ट लेटर्स डू नॉट मैच डू मैच, बट कंपेयरिंग पी विद डब्लू टू वी सी दैट एन टी इक्वल टू वन सिंस द फर्स्ट लेटर डू नॉट मैच, सिमिलरली एन थ्री इज इक्वल टू टू एंड एन फोर इक्वल टू वन। तो यानी इसी तरह ही आता जाएगा, तो नंबर ऑफ कंपेरिजन में आप जब करेंगे तो एक बार टू आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर वन आएगा ऐसे, और फिर फोर। ठीक है, तो टू वन टू वन फोर, ये आ गया आपका चार दो छः दो आठ और दो दस, नंबर ऑफ कंपेरिजन 10 कंपेरिजन में आपका ये कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एल्गोरिथम जो है काम करेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, सपोज कीजिए हमने कहा कि पी क्या है हमारा, पी है हमारा ए ए ए बी, सपोज कीजिए हमने कहा एग्जांपल थ्री, इसमें क्या है पी इक्वल टू ए ए ए बी और टी क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है हमारा ए इंटू मतलब ए ए ऐसे चलते चलते ये लास्ट में ए मतलब ए की पावर 20, ये टी दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि हियर पी डज नॉट अपियर इन टी, क्योंकि कोई बी तो है नहीं तो पी तो मिलेगा नहीं इसमें, एंड ऑल्सो एवरी डब्लू के इज इक्वल टू ए ए ए ए। ठीक है, हेंस एवरी एन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर, क्योंकि सिंस द फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ पी डू मैच, तो अकॉर्डिंगली सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर प्लस फोर प्लस फोर, ऐसे आप करते चले जाएंगे फोर। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 17 बार आप करेंगे तो 17 इंटू फोर मतलब 68 कंपेरिजन आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप एल्गोरिथम की वर्किंग को और नंबर ऑफ कंपैरिजन हमको कितने करने पड़ रहे हैं ये आप इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा, तो हम इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि अगर हमें इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।